वाला मोमेंट जो था वो कमर दर्द हो रहा है, भूखे थोड़ी रहेगी वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज आप लोग से एक इमोशनल चीज मुझे शेयर करनी थी हिना खान के बारे में। मैं दो तीन दिन से देख रही हूँ कि मतलब इसमें स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ को देखा कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और ये सुनने में आया है कि स्टेज 3 चल रहा है अभी। तो ये काफ़ी दुख की खबर है क्योंकि जिनके ऊपर ऐसी चीज़ बीतती है तो वो खुद वो जानते हैं और उनका पूरा फैमिली परिवार वो चीज़ जानता है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो मुझे ये वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करने का यही मकसद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए उनके लिए, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए और वो इस मुश्किल दौर से भी मतलब बाहर आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की भी दुआ कब कबूल हो जाए पता नहीं चलता। अगर सब दुआ कर रहे हैं एक साथ में और इसके दुआ करने का तरीका ऊपर वाले को पसंद आ जाए और वो झट से उसकी दुआ कबूल कर ले, ये किसी को नहीं पता। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी ज़्यादा। तो बस यही कहना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकते हैं। तो आप दुआ कीजिए उनके लिए कि वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इंशाल्लाह मुझे भी लगता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और जब इतनी सारी दुआ है उनके साथ में, इतने चाहने वाले हैं उनके हिना खान के। उनकी रील देख रही थी तो एक मोमेंट ऐसा था कि हिना खान अपने हाथों से मतलब अपने बाल कट कर रहे थे, वो अपनी चोटी को कट कर रहे थे और उनकी मम्मा जो है वो पीछे से मतलब रो रही थी। वो उनकी मम्मी, वो अपनी मम्मी को भी चुप करा रहे थे, मम्मी को भी मतलब हिम्मत दे रहे थे कि मम्मा रो मत करके आप सोचिए वो इंसान कितना स्ट्रांग होगा, उसके दिल में उसके अंदर कितना दर्द होगा जो मतलब ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है और वो खुद को तो हिम्मत दे के स्टैंड है और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी हिम्मत दे रहा है। तो सोचिए वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा। तो वो वाला मोमेंट जो था वो मुझे बहुत ही दिल को छू गया। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए, बस किसकी दुआ कब लग जाए पता नहीं। बस जल्द से जल्द हिना खान अच्छी हो जाए, हम सबकी यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। और ये बोलना था, अवेयरनेस देनी थी आप लोग को इस चीज़ के बारे में कि हम लेडीज़ लोग कैसे करते हैं ना, कि कोई चीज़ अगर हमारे अंदर मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है, यानी किसी भी चीज़ को लेके चेंजेस हो रहा है, कुछ मतलब तबीयत हमारी ख़राब है, तो हम उसको मतलब डीले करते रहते हैं। तो ऐसे मत करिए, प्लीज़ ऐसे मत करिए। अगर आपको छोटी सी भी चेंजेस अगर अपने बॉडी में दिख रही है, कहीं गार्ड दिख रहा है आपको या फिर कहीं की स्किन आपकी बॉडी पार्ट की अनइवन दिख रही है, रेडनेस ज़्यादा दिख रही है, यानी आपको ऐसा खुद फील होता होगा ना ये कुछ अलग है, अगर आपको ज़रा सा भी अगर ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी पार्ट में ये चीज़ कुछ अलग दिख रही है यहाँ, या फिर गार्ड ऐसा दिख रहा है, अंडर आर्म्स में भी कभी कभार काफ़ी बार गार्ड्स आ जाते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ अलग होती है तो वो अलग ही दिखती है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप सबसे पहला अपनी फैमिली को बताइए, उसके बाद में आप अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए है ये चीज़ आगे जाके हमें प्रॉब्लम तो नहीं देगी। तो आप लोग से यही कहना है कि आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो आई हूँ मेरी बहन के घर पे, जिस यही बहन है जिसकी शिफ्टिंग चालू थी, जिसे मैंने आपको पहले बताया था। आई फाइनली सारा काम हो गया ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप आप सब ठीक रहोगे। कैसा लगता है आप लोग को मेरी फैमिली, हम लोग टोटल 5 बहन हैं और मम्मी पापा नहीं हैं, उनका इंतकाल हो गया है और बस हम लोग एक साथ मतलब आजू बाजू में रहते हैं और मन घबराता है कभी कुछ है तो बस एक दूसरे के घर पे आ जाते हैं। और साथ ही साथ मेरी सबसे फेमस बहन यहाँ पे बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है आप लोग। हम लोग ठीक है, आप लोग की सब दुआ है और मैं भी दुआ करती हूँ आप सब ठीक रहे, मस्त रहे। अच्छा देखो बाबू क्या कर रहा है, अभी खाना खाने का भी टाइम है। आप लोग के इधर क्या बनाया है प्लीज कमेंट करिए, थोड़ा जोर से। आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए,
ताकि जल्दी जल्दी 500 से बढ़ते जाए इंशाल्लाह कामयाबी। क्या 500 नहीं 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए प्लीज। हाँ भाई 1000 करा दीजिए और क्या, इंशाल्लाह इसको भी कामयाबी मिले, जल्दी जल्दी कामयाबी। बहन लोग की चालू है, क्या चालू है पिंका पा? क्या चालू है? खाना बना रहे हैं क्योंकि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, सर की कमर दर्द हो रहा है, तकलीफ बहुत है उसको, तो भूखे थोड़ी रहेगी, वो करना ही पड़ता है ना, बहन बहन का नहीं करेंगे तो कौन किसका करेगी, है ना। और बना रहे हैं तहरी, वो भी गोश्त की टेस्टी। अरे हमारी तरफ कैमरा करो, टेस्टी मजेदार। कितनी सीटी में करता है बड़े का गोश्त तो हो जाए भाई, ये 10 मिनट बारीक पे रखें, कुकर पे ऊपर भी रहता है ना। किन किन लोगों को गोश्त की तहरी या तहारी पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पिंका ने अच्छे से भून दिए एकदम गोश्त को, और अभी बस यम्मी सा तहरी बन के रेडी होगा थोड़ी देर में, तो आपको भी बताएंगे। और अभी इसको क्या गोश्त गलने रखे? अभी टमाटर थोड़े गलेंगे तो फिर गोश्त गलने रखे, टमाटर गल, फिर आपको लास्ट में तहरी का फाइनल लुक बताते, थोड़े टाइम में मिलते। तो यहाँ पे देखिए दस्तरखान लग चुका है और मेरी नबीला एक हफ्ते से अपनी खाला के घर पे रह रही थी, उसकी छोटी खाला बहुत पसंद है उसको, ये छोटी सी खाला ये बहुत पसंद है, तो उसके घर पे रह रही थी। आज मैंने बोला चलो अपने घर पे आते, तो भी इसको आना नहीं है। हाँ मैं कल आऊंगी, देखे इसको आना नहीं है। आप लोग बोलिए गाइस इसको कि घर पे पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना थोड़ा। फिर हम सबने मिलके खाना खाया और एक फैमिली टाइम साथ में इंजॉय किया, और बहुत ही डिलीशियस यम्मी बनी थी ये मटन तहारी, तहरी भी बहुत जन कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।